हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं बाराती बनके, और वो भी लेट। ये सारे बाराती लेट हैं। हेलो बड्डी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाय। कैसा लग रहा है लेट जाते हुए? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। बारात 8:30 की गई हुई है, और अभी टाइम कितना हो रखा है? 10:30 है। 10:30 अभी मस्त हो गया। हेलो चिराग, गुड मॉर्निंग। इतनी सारी लेडीज को गाड़ी में लेके जा रहे हो? गुड मॉर्निंग गो बूटो जू। गुड मॉर्निंग। कौन है बीमार आज? कोई भी नहीं, आप। मेरी बहन लेट का है यार, आज मैं ना बीमार हो गई। मेरा पूरा प्लान था कि हम जाएंगे बारात में जाएंगे, और पूरा मतलब सब कुछ की साड़ी सूड़ी पहननी है, सब करना। लेकिन यार मेरा ना, मैं बीमार हो गई, मेरा पेट खराब हो गया। तो पहले तो हमारा कैंसिल हो गया था कि हम नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ चिराग ने भी मना कर दिया, दीदी टोजू और वो, फिर सबका ही कैंसिल हो गया। लेकिन मन नहीं किया कि चलो जाते हैं। अब दवाई खाई है, पता नहीं मेरे पेट का क्या हाल होगा, लेकिन बस मैं जा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पेट बिल्कुल खाली है। वहां पे भी कुछ नहीं खाना है मैंने, नहीं तो फिर वहां पे बैठ नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, अब लेट बाराती हैं हम। अगर मेरा पेट खराब हुआ ना, तो तुम साथ में चले हो, इसलिए आई हूँ मैं तुम्हारे साथ, और साथ में वो भी दीदी के साथ। ना गड्डी नहीं खराब करनी, पेट खराब होगा, मुझे पहले बोलना। मैंने सौगी चलाई थी, ऑफ ड्यूटी है वो। घर की ड्यूटी तीन जाती है ये। चलो यार, रास्ता दिखाते हैं अब इनको। ये ना अभी बरसात के टाइम पे सारा जो भी लैंड स्लाइड हुआ है बीच बीच में, आधी जगह काम चल रहा है। तो ये रास्ता जाता है गदीधार वाली साइड, जो कि पड़ता है धर्मपुर तहसील में। मैं उस धर्मपुर की बात नहीं कर रही, जो कसौली वाली साइड है। ये हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तहसील है ये धर्मपुर। तो उस साइड है गदीधार, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना सिंगल रोड, ये ऐसे ही आगे को कंजस्टेड होता चला जाएगा। जैसे साइड में है ना, ये साइड में ऐसा लगता है जैसे नीचे खेत खूत होंगे। कोई खेत नहीं है भाई नीचे को ना, सीधी ढिग गई हो, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ना कि ढिग गई। तो बस ये रास्ता सारा ऐसा ही है, और व्यू तो ऑसम है अल्टीमेट। हेलो डिंपल, हाय डिंपल मामी। डिंपल को बुला लो, भैया जाओ करे फोन उसको। करो करो करो, एक बार। ओ दीदी, हाय इतने भी खतरनाक रास्ते हैं ये। तुम मर गई आ आनी हो बस बाबा, बड़े रोड पक्का है बड़ी रवि यार। बस अभी नहीं सुनती आवे तो सी लोग ही थकना की आवे तो रास्ता मिल रहा है। मेरी दीदी को ना इस रोड पे डर लग रहा था कि यार नीचे को खाएंगे, तो मैं दीदी को बता रही थी कि हम इससे भी टफ रोड पे गए। एक्चुअली मैं और चिराग हम ना जाते रहते हैं ऐसे घूमने। तो एक बार हम गए थे उत्तराखंड साइड, गए थे वो जो रानी खेत है ना देहरादून के आगे है, बहुत आगे है रानी खेत, उससे भी आगे गए थे। तो वहाँ पे मतलब ऐसा ही रोड था, सिंगल रोड, मतलब शायद इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड था। 4 साल पहले गए थे। तो मतलब मुझे इतनी याद है कि वो इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड था, और वहाँ पे तो इतनी ढिग्गा थी मतलब बता नहीं सकती मैं। लेकिन उस टाइम ना मतलब वीडियोस और ये सब मतलब इसकी तरफ था ही नहीं कि चलो व्लॉग्स बनाने या जो भी है। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, क्योंकि बारात तो सुबह की निकली हुई थी 7 बजे की, और हम आराम से 10:30-11 बजे चले हुए थे। तो काफ़ी लेट हो गए थे, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो चलते चलते काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पहुँचने में। तो ये सारी जनता मतलब सारे चमयाड़े लोग बैठे थे, चमयाड़वासी, और ये मेरा भाई है, और यहाँ पर चल रहे हैं वो जो लगन वगैरह जो भी होते हैं वो सारे। हेलो गाइस, एंड आगे आप समझदार हैं। बोल रहा है, इन्होंने कैसी एक्टिंग की, वो
वीडियो में वो उर्फी जावेद आते हैं, वो एक लड़का नहीं था उनका नाम, ये है हमारे सामने उर्फी जावेद। यहाँ पे मेरा फोन ना टोजू ने लिया हुआ था कि मासी आप बीमार हो, आप बैठे रहो, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये जो भी छोटे छोटे क्लिप्स है ना उसी ने लिए हुए हैं। और पीछे देखो मेरी बुढ़ी कैसे अपने मामू के साथ उसके बालों के साथ खेल रही है। और ये है दूल्हा दुल्हन, यहाँ पे हो रही है हिमाचली रीति रिवाज से शादी। तो बस अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बारात की वापसी भी अभी 5-10 मिनट में हो जानी थी, लेकिन हम उससे पहले ही आ गए क्योंकि हमारी गाड़ी जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे फंस गई थी। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना बिल्कुल कच्चा है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई टाइप उस तरह का था, तो आते हुए तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, इसलिए हम पहले ही आ गए। एक दो गाड़ियाँ और थी हमारे आगे तो उनके साथ ही आ गए, क्योंकि होता है ना कोई हो जाता है साथ में तो ठीक रहता है। तो इस वजह से हम आगे आगे, और यहाँ पे ना इतनी ढलान थी, हमारे गाड़ी के ना टायर फिसल रहे थे, हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि आगे से बस आ रही थी, फिर आगे पास देने में दिक्कत हो जानी थी, तो यहीं पे रुक के वेट किया हमने बस का, उसके बाद आगे की तरफ गए। खेड़ी का पुल, हम यहाँ पे दूसरी बार आ गए आज, अभी बारात से हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके क्योंकि हमें यहाँ पे ना ये पुल देखना था, मैंने तो देखा हुआ है, दीदी ने देखा हुआ था, तो इसके लिए रुके। और यार ये बड़ा बड़ी घाटा पीछे, ये अपनी जनता गई रुकी गए वो सारे। ओ यार बड़ा ये नीचे को ये दिखता ही नहीं है, बहुत नीचे को है। हेलो बड्डी, हाय मैं छोटी बड्डी, हाय टोजे, अरे इतने इतने आई नहीं है रीला बनानी तो। हेलो चिराग शर्मा, हेलो, ये आ गए हमारी बाकी जनता। टोजे पूछे ना बेटा, अच्छा ये अब आ गया रहा सड़कों पर थी हेलो एवरीवन, दिस इज मनु चीनू उत्कर्ष और पुणा इनान छेंडी बम्पर। हेलो सभी जो दिस इज बम्पर आई पीछे रिशु और दूजा नौ क्या रिशु है यार नहीं एक थोड़ा जे और जे नौ है ना। हेलो रिशु और ठीक ठाक पूजी खरे एने बाबू असे एने कुछ नहीं बेले खरे असे। और तुसे सुनावा द्रूसिया है खाना पर तू हूं ब्याह कर। हां बोल रहा मैं जो ज्योतिए बल्ले ऋषि जो टोलो बल्ले घाटा हा बिल्कुल वो बच्चू बड़ पारी घाटा है वो मम्मी मामी मार देनी सौ के चार। ओ बेटा इधर टोजू ने यहाँ पहुंच के कहा था कि मासी मेरी और ओवू की ना एक रील बना लो, तो बस मैं उनकी रील बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलो करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।